नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम टारगेट अकेडमी पर। तो दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से करंट अफेयर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चंस हैं जो इस प्रकार हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन, हाल ही में निम्नलिखित में से किसे भारत सरकार का मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए TV सोमनाथ, ऑप्शन बी डॉक्टर बी अनंत नागेश्वरम, ऑप्शन सी डॉक्टर राजीव कुमार, ऑप्शन फोर डॉक्टर अजय कुमार। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी डॉक्टर बी अनंत नागेश्वरम। डॉक्टर बी अनंत नागेश्वरम को भारत सरकार का मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया गया है। इस नियुक्ति से पहले डॉक्टर नागेश्वर एक लेखक, लेखक, शिक्षक और सलाहकार के रूप में काम कर चुके हैं। उन्होंने भारत और सिंगापुर में कई बिजनेस स्कूलों और प्रबंधन संस्थानों में पढ़ाया है। क्वेश्चन नंबर दो, हाल ही में लोकसभा के डिजिटल पदचिह्न के सुधार के लिए किस सदन ने डिजिटल संसद ऐप लॉन्च किया है? लोकसभा सचिवालय, राज्यसभा सचिवालय या राष्ट्रपति या विधि आयोग? तो इसका सही सवाल है तो ऑप्शन ए लोकसभा सचिवालय। लोकसभा के डिजिटल फुटप्रिंट को बेहतर बनाने और लोगों को संसद से जोड़ने के लिए डिजिटल संसद ऐप लॉन्च किया है। लोकसभा सचिवालय ने कहा है कि डिजिटल संसद ऐप नागरिकों को सभी सदस्यीय कार्रवाई और अन्य गतिविधियों से अपडेट रखेगा। क्वेश्चन नंबर तीन, हाल ही में किस प्रकार ने पेट्रोल पंपों पर ईंधन भरने के लिए प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र अनिवार्य कर दिया है? ऑप्शन वन पंजाब सरकार, ऑप्शन टू ओडिशा सरकार, ऑप्शन थ्री दिल्ली सरकार, ऑप्शन फोर गोवा सरकार। तो इसका सही जवाब है दिल्ली सरकार। दिल्ली सरकार ने पंपों पर ईंधन भरने के लिए प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र अनिवार्य कर दिया है। मसौदा नीति को अधिसूचित होने से पहले जनता की राय के लिए रखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर चार, साथ हाल ही में पद्मश्री विजेता मिलना सालवनी का निधन हो गया है, वह किस क्षेत्र से संबंधित है? नंबर एक कथकली नृत्य, नंबर दो कथक नृत्य, नंबर तीन भरतनाट्यम नृत्य, नंबर चार मणिपुरी नृत्य। तो इसका सही जवाब है कथकली नृत्य। पद्म पुरस्कार विजेता और केरल कला मंडल के शुरुआती बैचों में से एक की विदेश छात्रा मिलना सालवनी का 25 जनवरी 2022 को फ्रांस में निधन हो गया। वह 84 वर्ष की थी। इतावली मूल की फ्रांसीसी कला शोधकर्ता है। फ्रांस में कथकली और अन्य भारतीय शास्त्र कला रूपों की राजदूत थी। 2019 में कथकली के क्षेत्र में उनके योगदान को मान्यता देते हुए उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। क्वेश्चन नंबर पाँच, किस टीवी ने हिमाचल प्रदेश में आयोजित 2022 में 9वीं राष्ट्रीय महिला आइस हॉकी चैंपियनशिप जीती है? ऑप्शन वन देहरादून, ऑप्शन टू दिल्ली, ऑप्शन थ्री लद्दाख, ऑप्शन फोर चंडीगढ़। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन थ्री लद्दाख। लद्दाख की महिला टीम ने हिमाचल में 9वीं राष्ट्रीय महिला आइस हॉकी चैंपियनशिप जीती है। क्वेश्चन नंबर छः, पेटीएम ने मर्चेंट पार्टनर्स और उपभोक्ताओं को उधार उत्पाद प्रदान करने के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी की है? ऑप्शन ए वन हिंदुजा लीजेंड फाइनेंस, ऑप्शन टू टाटा कैपिटल्स, ऑप्शन थ्री मुथूट फाइनेंस लिमिटेड, ऑप्शन फोर फुल टर्न इंडिया। तो इसका सही जवाब है फुल टर्न इंडिया। वन 97 कम्युनिकेशन और फुल टर्न इंडिया ने मर्चेंट पार्टनर्स और उपभोक्ताओं को उधार उत्पाद प्रदान करने के लिए साझेदारी की है। क्वेश्चन नंबर सात, भारतीय सेना ने AT-4 यानी एंटी आर्मर हथियार खरीदने के लिए किस देश के साथ अनुबंध किए हैं? ऑप्शन वन जापान, ऑप्शन टू स्वीडन, ऑप्शन थ्री रूस, ऑप्शन फोर जर्मनी। तो इसका सही जवाब है स्वीडन। भारत सशस्त्र बलों ने सिंगल शॉट एंटी आर्मर हथियार AT-4 की आपूर्ति के लिए स्वीडिश रक्षा कंपनी साब के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। क्वेश्चन नंबर आठ, कोयला मंत्रालय ने कोयला क्षेत्र से संबंधित प्रमुख प्रदर्शक संकेतक KPI साझा करने के लिए कोयला दर्पण पोर्टल लॉन्च किया है। प्रारंभ में कितने KPI को पोर्टल पर सूचीबद्ध किया गया है? ऑप्शन वन पाँच, ऑप्शन टू नाइन, ऑप्शन थ्री सेवन, ऑप्शन फोर एट। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन टू नाइन। भारत सरकार ने कोयला के क्षेत्र में से संबंधित प्रमुख प्रदर्शक संकेतक KPI साझा करने के लिए एक वेब पोर्टल कोयला दर्पण लॉन्च किया है। प्रारंभ में 9 KPI को पोर्टल पर सूचीबद्ध किया गया है। क्वेश्चन नंबर नाइन,
2022 में भारत गणतंत्र दिवस का कौन सा संस्करण मना रहा है? 70वां, 75वां या 70वां या 73वां? तो इसका सही जवाब है क्वेश्चन 4 यानी 73वां। भारत 26 जनवरी 2022 को 73वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 और इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन, दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, और साथ में अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जिससे हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक द्वारा डेटा केंद्रों के विकास के लिए परियोजना में कितनी राशि का निवेश किया जाएगा जो ज़्यादातर उभरते एशिया की सेवा करते हैं? ऑप्शन 1 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर, ऑप्शन 2 1000 मिलियन अमेरिकी डॉलर, ऑप्शन 3 150 मिलियन डॉलर अमेरिकी डॉलर, ऑप्शन 4 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर, ऑप्शन 5 300 मिलियन अमेरिकी डॉलर। तो इसका सही जवाब है 150 मिलियन अमेरिकी डॉलर। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने डेटा केंद्रों में के विकास में 150 मिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश करने के लिए एक प्रतिबद्ध किया है जो ज़्यादातर उभरते एशिया की सेवा करते हैं। तो गुड बाय दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।